वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 3 हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो में कवर करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट 512 दिया गया है। और इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज़ करके हमें इन सभी नंबर्स को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अभी एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, अगर ये बेसिक्स भी आपको नहीं पता है अभी तक, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें सब कुछ अच्छे से क्लियर किया है, पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। तो वो वीडियो मस्ट है देखना एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, जैसे आपको ओवरऑल सब समझ आ जाए, फिर आप क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे। उस वीडियो में मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, जिससे आप पूरा समझ जाएंगे और क्वेश्चंस आप खुद से भी कर सकते हैं फिर उस वीडियो को देखने के बाद। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज़ करके हमें इन फॉलोइंग नंबर्स को एक्सप्रेस करना है। तो 512 हमारा फर्स्ट पार्ट है। देखो 512, तो इसके फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे सबसे पहले, कि 512 के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता क्या है, 4 यानी कि 2 × 2, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 का मल्टीप्लाई करके हमें 4 मिलता है, राइट। तो यानी कि 2 की पावर 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 2, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो जाएगा 4 का, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, LCM निकाला 4 का, 4 लिखा, फिर 2, 2 ज़ा 4, फिर 2, 1 ज़ा 2, तो हमें 2 और 2 मिल गए। तो 2 × 2 = 4। तो ये 2 और 2 क्या है, 4 के फैक्टर्स हैं। तो जब भी एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम एक्सप्रेस करना हो किसी नंबर को, तो हमें उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे कि भाई किस नंबर को, किन नंबर को डिवाइड करके हमें ये नंबर मिल रहा है, सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, किन नंबर को मिला के, मल्टीप्लाई करके हमें ये नंबर मिला, यानी उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम एलसीएम करेंगे, 512 है ना, चलो 512, तो शुरुआत करते हैं 2 से करते हैं। तो 2 512, ऐसे आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1, यहाँ पे भी 1, 2 × 5 = 10, फिर यहाँ 1 और यहाँ पे 2 उतरेगा, यहाँ से 12 आ गया, और 2 × 6 होता है 12, ठीक है। तो इस तरीके से 256 आ गया। आप ऐसे डिवाइड कर करके भी करेंगे, कर सकते हैं। तो यहाँ 256 आ गया, फिर दोबारा से ये 2 से होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल है 256, यानी कि 2 की टेबल में ये नंबर आ रहा है। एलसीएम निकालना आता है ना, कि जो नंबर दिया गया होता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, नंबर 512 दिया गया है, तो हम यहाँ पे उस नंबर को लिखेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो 2 × 256 कितना होता है, 512 होता है। तो 256 इधर आ गया, फिर 256 दोबारा से 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 128 है आया है, ठीक है। दोबारा से 2 से जा सकता है 64 पर, 2 × 64 128 होता है। दोबारा से 2 से 32 अगेन, अब 16 आ गया, अगेन ये 2 से जाएगा, एंड देन 2 आ गया, अब तो ये 2 से चला ही जाएगा, जब तक 1 ना आ जाए आपको करते रहना है, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 512 के, कितने सारे 2 मिल गए हमें, अब इन्हें लिखो। 1 पहले काउंट कर लेते हैं कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हमें 2 मिला है, यानी कि 2 की पावर 9 हो जाएगी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले 9 बार 2 है ना, तो 2 × 2 × 2 ऐसे करके 9 बार कर दो। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, 512 मिलेगा, और ये 9 टाइम्स हैं, तो 2 की पावर 9। तो इस तरीके से इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी 512 की। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सॉल्यूशंस पे आ जाता है, देखो सॉल्यूशन में भी इस तरीके से सॉल्यूशन लिखना है। सेकंड पार्ट है 343, अब इसका एलसीएम यहाँ पे कर लेते हैं 343, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये किससे मल्टीप्लाई होगा, किससे डिवाइड होगा, किससे डिविजिबल है ये, 2 से तो नहीं है, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद हैं, हो सकते हैं, मतलब याद होने चाहिए वैसे, कि 2 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, जब उसके एंड में इवन नंबर आता है ना, ये तो सबको पता होगा। तो नहीं है इसमें, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो उसे चेक करने के लिए हम इन तीनों नंबर को ऐड कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, 10 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। किससे डिविजिबल है, 343, यही है ना, हाँ यही है। 7 से हो जाएगा, आई गेस, एक बार 7 से ट्राई कर लेते हैं,
28, 6 and 3, हाँ ये 7 से डिविजिबल है, 49 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे, 7 और यहाँ 49, दोबारा से 7 से, क्योंकि 7 7 सा 49 होता है, 7 7 7 सा 49। ठीक है, तो अब दोबारा से 7 से यहाँ 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 होता है। ठीक है, ऐसे ही 7 मल्टीप्लाई बाय 49 3, 43 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, तो इस तरीके से एलसीएम हम लोग लेते हैं। राइट, तो हमें 1 आ गया, 1 आ गया यानी कि फैक्टर्स हमें पता चल गए 343 के, 7 7 7 3 बार 7 है यानी कि 7 का क्यूब। चलो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, देखो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब। अब आता है फोर्थ पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट, 729, ये देखो 729, इसके हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 729, तो ये 3 से हमारा हो जाएगा ना, देखो 3 टू ज़ा 6, 3 फोर ज़ा 12, 3 थ्री ज़ा 9, 243, अगेन ये 3 से हो सकता है, हो सकता है 8 और 1, दोबारा से ये 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, अगेन ये 3 से हो जाएगा, एंड ये लास्ट टाइम एक और बार 3 से हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स आ गए, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 की पावर हो जाएगी 6। देखो यहाँ पे, ये देखो ये आपका आंसर हो गया। अब लास्ट आपका क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, 3125, तो इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। वैसे देखो सिंपल है ना, समझ आ गया ना कैसे निकालते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो एलसीएम निकालने बैठ जाओ, क्योंकि बेसिकली आपको फैक्टर निकालने होते हैं इसमें नंबर के। तो 3125 है, 3125 इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखो किससे ये हो सकता है डिवाइड, 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से देखो, नहीं 3 से नहीं हो रहा, 5 से कर लेते हैं इसको, चलो 5 से ही कर लेते हैं, क्योंकि 5 से हो सकता है कि एंड में 5 आ रहा है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 6 2 एंड 5, 625, अगेन ही 5 से हो जाएगा, 125 अगेन ही 5 से हो जाएगा, 25 अगेन 5 से हो जाएगा, एंड एक और बार 5 से हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 बार 5, ये इसके फैक्टर हैं। तो 5 रेज टू द पावर ऑफ 5, 3125 की एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो बस ये आपका क्वेश्चन था, यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।